हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर WhatsApp स्टेटस अपने आप डिलीट हो जाता है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए गैलरी को हम ओपन करते हैं। अब देखिए, जो भी फ़ोटो या वीडियो का हम स्टेटस लगाए हैं, देखिए यहाँ पर हमने एक स्टेटस लगाया है, अगर हम इस फ़ोटो या वीडियो को अपने गैलरी से डिलीट कर देंगे तो स्टेटस अपने आप डिलीट हो जाएगा, शो नहीं करेगा। तो गाइस, आप ध्यान रखना, जो भी फ़ोटो या वीडियो का स्टेटस लगाते हैं उसे डिलीट नहीं करना है। तो देखिए, इतना आपको चेक कर लेना है। फिर बैक आते हैं, अब हम अपने फाइल को ओपन करते हैं और नीचे आते हैं, यहाँ से इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर एक फ़ोल्डर है एंड्रॉयड का, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक फ़ोल्डर है मीडिया का। अगर हम इस फ़ोल्डर को यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो जो भी हम स्टेटस लगाए रहेंगे फ़ोटो या वीडियो का वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इसी में होता है। देखिए, व्हाट्सएप यहाँ पर शो कर रहा है, जो स्टेटस हम लगाते हैं यहीं पर रहता है। अगर हम डिलीट कर देंगे यहाँ से तो वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब हम बैक आते हैं। अब देखिए, अगर व्हाट्सएप स्टेटस का डाटा क्लियर कर देते हैं तो भी व्हाट्सएप स्टेटस डिलीट हो जाता है, हट जाता है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखना, व्हाट्सएप को अगर डाटा क्लियर करेंगे तो स्टेटस हट जाएगा। इसी के साथ जितने लोग भी व्हाट्सएप स्टेटस लगाए रहेंगे आपके फ़ोन में शो कर रहा होगा वो सब हट जाएगा, किसी का भी नहीं दिखाएगा। कब दिखाएगा? अब जैसे ही आप क्लियर डाटा कर देते हैं उसके बाद जो भी स्टेटस लगाएगा फिर उसका स्टेटस शो करना शुरू हो जाएगा, फिर आप उसका स्टेटस देख पाएंगे। तो गाइस, ये रहा कुछ रीज़न जिसकी वजह से व्हाट्सएप स्टेटस डिलीट हो जाता है। तो इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।